आज हम जीके सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज क्लास टू जीके सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम है दिस विल हेल्प, पेज नंबर 215। आप अपना बुक ओपन कर लें और इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और सुने और अपने बुक पर ध्यान दें और साथ में मेरे साथ आप भी रीड करें। तो दिस विल हेल्प, हम लोगों को ये सब मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। टिक द करेक्ट पिक्चर, से इट्स नेम लाउड। सही पिक्चर्स पे आपको टिक करना है सेंटेंस को अच्छे से पढ़ते हुए, है ना। तो हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो जो भी पिक्चर सुटेबल होगा उसमें हम सही करेक्ट का निशान लगाएंगे। तो फर्स्ट नंबर में पढ़ते हैं, सलमा वांट्स टू टेक अ फोटोग्राफ। सलमा वांट्स टू टेक ए फोटोग्राफ, सी विल नीड इट। सलमा को एक फोटोग्राफ लेना है, फोटो खींचना है, तो उनको इन दोनों में से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको दोनों पिक्चर्स पता है, ये कैमरा है और इसे हम टॉर्च कहते हैं। तो फोटो खींचने के लिए हम कैमरा का यूज़ करते हैं, ठीक है। बलजीत वॉन्ट्स टू लुक्स एट द स्टार्स, ही विल नीड अ। बलजीत को तारे देखने की देखना चाहता है, तारे को, तारा को पास से देखना चाहता है, और तारा को पास से देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये बायोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी एक है, लेकिन इसको हम सिर्फ बुक के कॉपी को, वर्ड्स को देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये बायोस्कोप है, ये दूर की चीज़ों की, दूर दूर किलोमीटर्स की जो दूरियां होती हैं उनको हम इसको देखते हैं। तो हमको तारा देखने के लिए बायोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। मैरी वांट्स टू गो बर्ड वॉचिंग, सी विल नीड अ पेयर। ठीक है, उसको बर्ड देखना है, जो पेड़ पे पक्षी बैठी रहती हैं तो उनको वो थोड़ा अच्छे से देखना चाहती हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये दूरबीन की उनको ज़रूरत, जो जो ज़्यादा कुछ मीटर की दूरियों पर देखना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको दूरबीन की ज़रूरत पड़ती है। रिया वॉन्ट्स टू फाइंड आउट इफ ग्रैनी, रिया वॉन्ट्स टू फाइंड आउट इफ ग्रैनी हैज़ फीवर, सी विल नीड अ। रिया ग्रैनी को फीवर हो गया है, तो रिया ग्रैनी का फीवर नापना चाहती है, तो फीवर नापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, ना ही कि थेरेस्कोप का। ये किसी और चीज़ के लिए होता है ना, ये थर्मामीटर फीवर नापने के लिए होता है। सोनू वॉन्ट्स टू नो हाउ मच हैज स्पेंट, ही विल नीड अ। सोनू ने कितने खर्च किए हैं वो पता लगाना चाहता है, वो कैलकुलेट करना चाहता है, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर पर यूज़ करेंगे, है ना, कि वो कितना खर्च किया। तो इस तरह से ये आपका दिस विल हेल्प, ये बुक आपका कंप्लीट होता है। आप अपना बुक भी इस तरह से कंप्लीट कर लें।